कैंसर मरीजों के लिए है अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने नई मुंबई खारघर के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बेड और मेडिकल स्टाफ की संख्या कई गुना बढ़ाने का फरमान जारी किया है। इसकी मांग करने वाले बीजेपी विधायक महेश बाल्दी और स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर ने विश्वास जताया कि इससे महीनों तक इलाज का इंतजार करने वाले कैंसर मरीजों को अब हफ्ते भर में ही उपचार का लाभ मिल सकेगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के खारघर स्थित टाटा कैंसर हॉस्पिटल एक्ट्रेक में अब कैंसर इलाज के लिए 6 महीनों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, मोदी सरकार ने एक फरमान के जरिए यहां की बेड संख्या 120 से 9 गुना बढ़ाकर 940 करने और मेडिकल स्टाफ की संख्या 1067 से बढ़ाकर 2405 करने की मंजूरी प्रदान की है। जाहिर है, इन मेडिकल सुविधाओं के बहाल होते ही कैंसर मरीजों की 6 महीने की वेटिंग खत्म हो जाएगी और सिर्फ 6 दिनों में ही इलाज के लिए एडमिशन मिल सकेगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर और महेश बाल्दी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह का आभार जताया, जिनकी मदद और पहल के बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल में सुविधाएँ बढ़ाने की मंजूरी मिली है। बीजेपी विधायकों ने विश्वास जताया कि खारघर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जिस तरह कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ऐसी बढ़ी हुई मेडिकल सुविधाएं लाखों मरीजों को शीघ्र उपचार देने में मददगार बनेंगी। टाटा मेमोरियल रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर या असं त्याचं नाव आहे, या हॉस्पिटल किंवा आपण म्हणूया रिसर्च सेंटर मध्ये आता मोठ्या प्रमाणात कैंसर वरच्या रुग्णांची तपासणी आणि उपचार करण्यात येतात याची आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेच। आज आपल्या सर्वांना या ठिकाणी या संदर्भात माहिती द्यायचं कारण म्हणजे सन्माननीय आमदार महेश बाल्दीजी यांनी मधल्या कालावधीमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये माननीय आमदार गडकरी साहेबांना या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण ज्या वेळेला आपली तपासणी करण्यासाठी येतात त्यावेळेला जी प्रतीक्षा त्यासाठी यादी असते ती खूप मोठी असते की आता या ठिकाणी एकंदरीत जे आतापर्यंत 120 बेड होते त्या 120 बेड मध्ये वाढ करण्यात येऊन आता 930 बेड या हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येतील आणि मग याच्यासाठी लागणारं किंवा ट्रीटमेंटसाठी लागणारं जे एकूण मनुष्यबळ आहे जे आता या ठिकाणी 1067 आहे, तर 1067 असलेलं मनुष्यबळ हे 2405 जवळपास 2.5 पट हे मनुष्यबळ आणि बेडची संख्या तर जवळपास 9 पट ही होते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती या सगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया ज्या होतात या शस्त्रक्रिया रेडिएशन थेरपी केमोथेरपी या सगळ्यामध्येच वाढ होणार आहे। मोदी सरकारचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांचं त्यांच्या बरोबरीनं केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेब आणि डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांचं आणि याच्यासाठी ज्यांनी पाठपुरावा केला आमदार महेश बाल्दी साहेब यांचं मी या निमित्तानं मनापासून आभार व्यक्त करतो। कॅन्सर हर 100-150 लोगों के पीछे एक कैंसर का पेशेंट मिल रहा है और ये बड़ी चिंता और चिंतन का विषय था। और यहाँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल का कैंपस इतना बड़ा है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, अब खाली स्टाफ की कमी थी, वो आज स्टाफ की कमी जो कमी थी वो दूर होने में कामयाब हुए। आज करीब जो 150 के करीब मैनपावर थी वो 1000 के करीब आ जाएगी, 950 या 1000, तो इससे बेड की संख्या भी बढ़ रही है। नहीं, 1000 से अभी स्टाफ की संख्या 2400 हो जाएगी और बेड की संख्या 150 से 950 हो जाएगी। कैंसर के पेशेंट की केमो या सर्जरी या उसकी ट्रीटमेंट
इसमें जो यहाँ टाटा में चार महीने का वेटिंग था, वो जाके ये वेटिंग कम हो जाएगा और ये हफ्ते भर का वेटिंग रह जाएगा। मैंने जब ये विषय हमने दोनों ने यहाँ डॉक्टर सुदीप गुप्ता और इनसे हमने चर्चा करके की, उसी दिन मैं दिल्ली जाके नितिन जी जो देश के रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, तो उनको मैंने बताया कि सर इससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता, तो कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये करना जरूरी। जिस दिन मैं लेटर लेके गया वहां ही लेटर मैंने ड्राफ्ट किया उनको दिया और उनके ऑफिस ने भी तुरंत उसी दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लेटर दिया, पत्र दिया और नितिन जी ने स्वयं उनसे दो बार बात की कि आपका कोई ऑफिसर इसमें ध्यान दे और ये बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। और आज उसमें सफलता मिली। ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के प्रति हमारे नेताओं ने बताई हुई आस्था है और समाज के दुख को समझ लेने वाले नेता है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करें। यहाँ खारघर बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने भी टाटा कैंसर हॉस्पिटल में स्टाफ और बेड बढ़ाने में मददगार बने स्थानीय विधायकों का आभार जताया, जिनकी पहल पर कैंसर मरीजों के लिए ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। शहरामध्ये, पनवेल शहरामध्ये आणि नवी मुंबई शहरातील जे काही कॅन्सरग्रस्त रुग्ण आहेत त्यांना चांगल्या पद्धतीची ट्रीटमेंट मिळेल। आणि खरंच 14 नोव्हेंबरला आमचे आमदार प्रशांतजी ठाकूर साहेब तसे महिती बालदेसाई साहेबांनी पत्रव्यवहार केला आणि या पत्रव्यवहाराच्या नंतर आज जवळजवळ 3 महिन्याच्या आत बघितलं तर इथून चांगल्या पद्धतीचं एक या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला 930 बेडची बेड आणि 2405 मनुष्यबळची उपलब्धता मिळेल असं पत्र आलेलं आहे। आणि खरंच आम्हाला आनंद वाटते या खारघर शहरासाठी। आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे एक माजी नगरसेवक म्हणून मी आमदार प्रशांतजी ठाकूर साहेब आणि तसेच महिजी बालदी साहेब यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो। वी ऑल नो दॅट खारघर इज अ ग्रोईंग सिटी अँड इन ऑल द एमिनिटीज खारघर इज ग्रोईंग व्हेरी फास्ट, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज कल्चर, वेदर इट इज एज्युकेशन, even in medical field also our Khargar is a very growing city, and because of our local MLA Prashant Thakur ji and our MLA Mahesh Baldi ji, they noted the problem facing by cancer patients in Khargar Tata Cancer Hospital. They did the follow up, they did the return, give the return letter to our respected minister Nitin Gadkari ji, who immediately took the action, and he also wrote a letter to the atomic and IT minister respected Jitendra Singh ji. And now today is a very great day for all of us, all of our residents, because not only from Maharashtra but from all over country the cancer patients are visiting in Khargar hospital, and due to their basic needs like basic treatment they have to wait more than 1 or 2 months, or for the surgery they had to wait for more than 3 months also. So Amdar MLA Prashant Thakur ji and Mahesh Baldi ji took a very, very big follow-up, and today we got the letter from Honorable Minister Mr. Jitendra Singh ji that from now onwards, very after a couple of days, the capacity of a bed of Tata Hospital, which was only 130 bed, it has increased, and now the capacity will be in more than 900 beds, and yearly more than 10,000 people will get the advantage, 10,000 cancer patients will get the advantage of this facility, and more than 20 to 25,000 cancer patients will get the benefit of chemotherapy also. So as a Bharatiya Janata Party workers and all our residents, we are very happy, because from all over the state, all over the our country, we get the calls regarding the treatment of cancers, and now it will be more easy for our residents to get the facility quickly and fastly. So we very thankful to our MLA Mr. Prashant Thakur ji and our MLA Mr. Mahesh Baldi ji, who took up the issue, and our Modi government who raised this issue for our residents. And today we are seeing that the Modi government is working very, very fast. You see the comparison of the earlier government and this government, so fast we are going. And today again we have received the feet of our Modi government for the inauguration of few Vande Bharat train also. It's a very good news for today also, and now we are thankful to them, Modi government. Like the same way they will do all the needs of our citizen, which is
रिक्वायरमेंट फॉर अवर नेशन. गेले अनेक दिवस या ठिकाणी टाटा रुग्णालय आहे जे कॅन्सर पेशंटला ट्रीटमेंट करतं. या रुग्णालयामध्ये बेडची संख्या ही 120 होती व त्यामुळे इथले नागरिक इथले जे पेशंट्स आहेत त्याच्याबरोबर बाहेरचे पेशंट यांचा सुद्धा या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात येणं जाणं होतं. या ठिकाणी त्यांचं त्यांची ट्रीटमेंट या ठिकाणी चालायची परंतु या ठिकाणी त्यांना बेड मिळायचे नाहीत. आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे स्थानिक पदाधिकारी आहोत त्यामुळे बाहेरच्या शहरामधूनही आम्हाला अनेक जण टाटा हॉस्पिटलच्या संदर्भात संपर्क करायचे परंतु बेडची संख्या ही केवळ 120 होती. परंतु याकरता आमदार प्रशांतदादा ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी साहेब यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. माननीय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी साहेब यांना या संदर्भात माहिती दिली नोव्हेंबर महिन्यामध्ये व नोव्हेंबर महिन्यातच जितेंद्र सिंग हे जे ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर ॲटॉमिक केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांना या संदर्भात माहिती दिली असता त्यांनी टाटामध्ये या संदर्भात पाठपुरावा केला आणि 3 महिन्यामध्ये या ठिकाणी 900 बेडची मान्यता या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. आजच ते पत्र प्राप्त झालेलं आहे. या ठिकाणी टाटा हॉस्पिटलमध्ये 940 बेड आता या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहेत. जे पेशंट आहेत जे रुग्ण आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंट करता त्याच्याच बरोबर या ठिकाणी 2400 या ठिकाणी डॉक्टर्स नर्स याचा स्टाफ सुद्धा या ठिकाणी अवेलेबल असणार आहे. ही खरंच एक चांगली समाधानाची गोष्ट आहे की यापेक्षा चांगली गोष्ट होऊ शकत नाही. म्हणजे लोकांना इतक्या स्वस्त किमतीमध्ये इतकी चांगली सुविधा देण्याचं काम हे टाटा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून चालतं आणि आज याकरता आमदार प्रशांतदादा ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी जो पुढाकार घेऊन या ठिकाणी जी बेड वाढवून घेतलेले आहेत या ठिकाणी जे मनुष्यबळ वाढवलेलं आहे याच्या बाबतीत खरंच एक आनंद व्यक्त केला जात आहे. खारघरवासी या निर्णयाचं नक्की स्वागत करतील. खारघर मे कॅन्सर पीडितो के सारवार के लिए जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल अस्तित्व में है वो कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे कैंसर पेशेंट यहाँ आते हैं. मैं भी देखता हूँ बहुत परेशान होते हैं. उनको समय पर तारीख नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पूर्ते बेड नहीं है और उनके साथ साथ पूर्ते मनुष्य बल नहीं होने के कारण उनको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. हमारे उरण के विधायक श्री महेश बालदी जी और हमारे पनवेल के कार्य सम्राट आमदार श्री प्रशांत ठाकुर जी ने वहाँ मुलाकात की और देखा कि इतने इस समस्या के कारण आज वहाँ सभी रुग्णों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. इनको इनिशिएटिव लेते हुए दोनों आमदार ने हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मुलाकात करते हुए रजूआत किया और तुरंत नितिन गडकरी जी ने इनिशिएटिव लेते हुए वहाँ के हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी है जिनके अंडर में ये विभाग आता है उनको आदेश दिया और तुरंत ये कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ आज वो पत्र आया है कि आज 940 बेड की परवानगी मिल चुकी है और उनके साथ साथ जो मनुष्य बल लगने वाला है डॉक्टर नर्सिस वगैरह तो वो उनकी भी परवानगी ले गई है. मैं स्थानिक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नाते मैं अपने विधायक प्रशांत ठाकुर जी और अपने विधायक महेश बालदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपको बहुत सारे कैंसर पीड़ितों का आशीर्वाद मिलने वाला है कि आपने एक प्रकार की सुविधा आप लोगों के लिए लेके दिए. इसलिए दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ और इनके साथ साथ केंद्र शासन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.